हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपके प्यार, साथ और सपोर्ट की वजह से मेरा जो सब्सक्राइबर है वो 10,000 प्लस हो गया है। और आप अपना प्यार इसी तरह बनाते रहें, मेरे वीडियोस को देखें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और मैं दिल से आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आज मैं जो भी हूँ, जहाँ पे भी हूँ, आप लोगों की, अपने व्यूअर्स की वजह से हूँ। सो प्लीज़ अपना प्यार मुझ पे बनाए रखें और मेरे वीडियोस में आपको अच्छा, बुरा, कमी, कुछ भी लगे तो आप मुझे बेझिझक बताएं। तो आज मैं अपने व्यूअर्स को एक छोटा सा वॉल पीस कहिए या डेली झूला कहिए या डेकोरेटिव आइटम कहिए, वो मैं बताने जा रही हूँ, क्योंकि ऐसे भी माइक्रम का जो प्रोडक्ट होता है वो डेकोरेशन के लिए ही काम आता है। तो मैं आपको एक डेकोरेटिव आइटम बताऊँगी जिसके लिए मैंने यहाँ पे स्काई कलर का और वाइट कलर का मैक्रम यूज किया है। और मैं इसमें वाइट बीड्स लगाऊंगी, इस तरह का गोल शेप का, और ये इस तरह का बेल्स रहेगा। ये मैं देख लूंगी कि मैं मुझे कौन सा कलर, मतलब इस पैटर्न का बेल्स रहेगा। और लाइटर सीजर, और ये मैंने 10 इंच का दो रिंग लिया है। एक्चुअली फ्रेंड्स, मैं आपको इस शेप का जो डिजाइन है वो मैं इस शेप का बताऊंगी, जिसमें यहाँ पे आपको इसके नीचे बेस बनाना आपको बताऊंगी और यहाँ पे हैंगिंग के लिए। तो ये एक वॉल पीस है, छोटा सा है और बहुत कम मैक्रम में बनता है ये। और मेजरमेंट के लिए मैं यहाँ पे आपको मेजरमेंट करके बताऊंगी कॉर्ड को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले मैं यहाँ पे ये स्काई कलर का कॉर्ड है उसको लूंगी। और ये जो मैं आपको जो अपने वीडियो में बताती हूँ, ये पीछे इंचेज है और 10 सेंटीमीटर है। तो मैं आपको सेंटीमीटर से बताऊंगी क्योंकि मैं आपको मीटर में बताती हूँ हमेशा काटना कॉर्ड को। तो मैं यहाँ पे 2 मीटर का कॉर्ड लूंगी, तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है। तो मैं 200 सेंटीमीटर का, ये 100 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पर मैंने कॉर्ड को रखा और इसको मैंने डबल कर लिया, तो ये 2 मीटर का मेरा एक कॉर्ड हो गया। और इसको यहाँ पे कट लगा लेंगे। और अब ये कट मेरा मेजरमेंट हो गया, तो अब हम इसी कॉर्ड से माप लेंगे कॉर्ड को, और दूसरे कॉर्ड को भी हम ऐसे ही काट लेंगे। ये मेरा 2 कॉर्ड हो गया। इसी तरह से हम कॉर्ड को काट लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 26 कॉर्ड लिया है और एक कॉर्ड जो है मेरा 2 मीटर लंबा है। कॉर्ड को इस तरह से जैसे हम फंसाते हैं वैसे ही फंसा लेना है, इस तरह से हम कॉर्ड को इस तरह से हम 26 कॉर्ड को फंसा लेंगे। और अब कॉर्ड फंसा लेने के बाद ऐसे टाइटली खींच लेना है और 4 कॉर्ड को लेकर एक नॉट लगा लेना है। इस तरह से 4 कॉर्ड से फर्स्ट लाइन में एक नॉट लग जाएगा। इस तरह से हम पूरे में ऐसे ही एक लाइन बनाकर नॉट लगाकर तैयार कर लेंगे। फर्स्ट लाइन में कंप्लीट हो गया है। अब हम 2 नॉट के बीच एक नॉट लगाते हुए, सिंपल नॉट लगाते हुए हम यहाँ पर डिजाइन बनाएंगे। सिंपल नॉट लगाना है बस, 2 नॉट के बीच एक नॉट लगाते हुए। इस तरह से सेकेंड लाइन को भी हम इसी तरह से 2 नॉट के बीच एक नॉट लगाते हुए कंप्लीट कर लेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 लाइन दो नॉट के बीच एक नॉट बनाते हुए तैयार किया है। अब हम इसको थोड़ा सा इतना डिस्टेंस तक हम इसको नॉट सिंपल नॉट लगाकर ऐसे बुनकर तैयार कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी। पहले इतना दूर हम पहले बुनकर तैयार कर लेंगे, वो नॉट में कितना लाइन है वो मैं आपको बाद में बता दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 and 17 लाइन बनाकर तैयार कर लिया है और 17 लाइन मैंने यहाँ पे सिंपल नॉट लगाया है। अब इसके बाद का स्टेप होगा, एक और जो मेरे पास 10 इंच का रिंग है उसको इसमें सिंगल टाइम्स फोल्ड करना। मैं यहाँ पर सिंगल टाइम्स इसको फोल्ड करके और एक नॉट लगा लेती हूँ, 2 3 4 ये सिंगल टाइम्स फोल्ड करके एक नॉट लगा लेंगे, फिर सारे कॉर्ड को फिर दूसरे ब्लॉक मतलब दूसरे नॉट को हम लेंगे, दूसरे नॉट के फोर कॉर्ड को सिंगल टाइम्स 3 and 4 फोर कॉर्ड को लेना है और नॉट लगा लेना है। अगर आपको डिजाइन बनाते समय कॉर्ड कम पड़ जाए तो आप कॉर्ड को जोड़ लें। फिर सारे नॉट को हम इसी तरह से सारे कॉर्ड को सिंगल टाइम्स फोल्ड करके और इसको हम यहाँ पर नॉट लगा लेंगे। इस तरह से हम सारे कॉर्ड को ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक रिंग को मैंने यहाँ पर इस तरह से ये फंसा लिया, जो मैंने आपको जस्ट बताया। और इसके बाद मैं यहाँ पे डिजाइन बनाऊंगी और ये जो मेरा रिंग का शेप होगा, ये आप सोच रहे होंगे कि दो रिंग को मैंने कैसे ज्वाइंट किया है, तो क्यों ज्वाइंट किया है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक बस ऐसे ही बता रही हूँ कि यहाँ मैं ऊपर में इसको ज्वाइंट कर दूंगी। तो ये इस तरह से ये रिंग, ये ऐसा झूला का शेप आएगा। तो अब हम यहाँ पे डिजाइन बनाना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमको यहाँ पे दो नॉट के बीच के जो सेंटर का नॉट है, दो कॉर्ड है, उसमें एक मोती लगाना है और इस तरह से एक नॉट लगा लेना है। फिर दो नॉट लेना है और दो नॉट के सेंटर के कॉर्ड में से मैं दो बीट सॉरी एक बीट्स लगानी है। मैं यहाँ व्हाइट बीट्स यूज कर रही हूँ क्योंकि मैं ये जो मैं कलर ली हूँ मैक्रम का, वो बिल्कुल डीप है, तो इस पे व्हाइट कलर ही ज़्यादा सुटेबल रहेगा। इस तरह से हम दो नॉट के बीच और एक सिंपल नॉट लगा लेंगे। इस तरह से पहले सभी में एक लाइन में लगा के तैयार कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्स्ट लाइन मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है और मैंने यहाँ पे जो आपको बताया था व्हाइट बीट्स देना, यहाँ मैं येलो बीट्स मैंने डाला और फिर यहाँ पर मैंने दो नॉट के दो मोती के बीच एक मोती डालकर नॉट लगाया और स्टार्टिंग में भी मैंने यहाँ नॉट लगाया है। ये आप देखिए, जैसे यहाँ पे ये स्टार्टिंग है तो जनरली क्या होता है कि हम दो नॉट के बीच ये नॉट लगाकर और दो दो कॉर्ड छोड़ते जाते हैं, पर यहाँ मैं दो कॉर्ड छोड़ नहीं रही हूँ। यहाँ हम दोनों जैसे हम नॉट लगाते हैं ठीक वैसे ही ये वाला और ये वाली कॉर्ड को मैंने एक साथ बीट्स के अंदर डाला और इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर भी एक नॉट लगा देंगे।
यहाँ में आगे मैं राउंड शेप का डिजाइन डाल रही हूँ। इस तरह से लगा लेना है। जैसे ही आप दो मोती के बीच या आपके ये दो नॉट के बीच एक नॉट डालते हुए इस तरह से हमको दो से तीन लाइन कंप्लीट करना है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा कॉर्ड कम पड़ गया है तो मैं इसको अटैच कर लूंगी यहाँ पे दूसरे कॉर्ड को, पर फिलहाल के लिए यहाँ मेरा ये इसको हम ये कॉर्ड कम पड़ गया तो मैं इसमें अटैच करूंगी दूसरा कॉर्ड। इस तरह से हम दो से तीन लाइन मैं आपको बता दूंगी कितना, उतना मैं यहाँ पे इस डिजाइन को बना करके बीट्स लगा के डिजाइन को बना करके तैयार कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये फोर लाइन बनाकर तैयार किया है। ये फर्स्ट लाइन में मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बीड्स डाला है और सेकेंड लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बीड्स है, फिर 12 और फिर 13 बीड्स लगाकर मैंने यहाँ फ्रंट का डिजाइन इस तरह से तैयार किया है। अब मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी, इसको मैं कट करके बेल्स लगाना आपको बाद में बताऊंगी। अब इसके बाद का जो स्टेप है, ये जो दो रिंग है इसके सेंटर में हमको यहाँ पे एक कॉर्ड लेके नॉट लगाना है, तो पहले हम इस ये वाला प्रोसेस कर लेते हैं स्टेप। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इतना बड़ा कॉर्ड लिया है, ये कितना होगा, ये हाफ मीटर से कम है, कॉर्ड हाफ मीटर है, इसको दो भाग में दो फोल्ड कर लिए। अब इसको हम ऊपर के डायरेक्शन में रखेंगे और इसे हम सिंपल नॉट लगाते हैं, एक बार लेफ्ट हैंड से की तरफ और एक बार राइट हैंड की तरफ, इस तरह टाइट, फिर लेफ्ट हैंड की तरफ और फिर राइट हैंड की तरफ, फिर लेफ्ट हैंड और फिर राइट हैंड की तरफ से। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने यहां पर 14 टाइम्स इसको मैंने मूव किया। अब हम इसको नीचे से काट देंगे और यहाँ पर इसको स्टिक कर लेना है लाइटर से। इसको दोनों को हम ऐसा करेंगे, ये हवा चल रही है फ्रेंड्स, इसे दिक्कत आ रही है। देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने अंदर से स्टिक कर लिया। अब इसका जो ऊपर का पोर्शन को हम इस तरह से रहने देंगे और इसको अच्छे से हम मैनेज कर लेंगे। तो ये हमारा, ये जो मैं आपको गणपति जी को रखने का या किसी भगवान को रखने का या फिर ऐसे कोई सो पीस यहाँ रखने का मैं आपको बता रही हूँ, ये ऑलमोस्ट बनकर तैयार है। अब हम इसके साइड को पाइपिंग करेंगे और एक देखिए फ्रेंड्स, इसको ये जो रिंग है ओपन रिंग है फोर, इसको हमको कवर करने के लिए यहाँ पे मैंने 1 1 मीटर का दो कॉर्ड लिया है और दोनों कॉर्ड को मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया है। अब ये जो मिडिल पॉइंट है इसको हम ऊपर रखेंगे और बस स्पाइरल मूव्स लगाना है हमको इसमें, इस तरह से ये गोल गोल डिजाइन घूमता जाएगा। इसमें स्पाइरल मूव्स लगाना है, ये डिजाइन, तो ये एक व्हाइट और एक ब्लू कलर का डिजाइन आएगा। थोड़ा सा बना ले उसके बाद इसको आगे की तरफ प्रेस कर दे और हल्का ढीले हाथ से बनाए तो थोड़ा सा इसका थिकनेस ज्यादा लगेगा। थोड़ा दूर बना लिए, अब इसको हमको आगे की तरफ प्रेस कर देना है। इसको बस हम एक ही तरफ घुमाते जाएंगे, एक ही तरफ, लेफ्ट हैंड साइड से मैं बस बाएं तरफ से मैं डालते जा रही हूँ। इस तरह से हम रिंग
पे इसको पाइपिंग करना कहते हैं। तो रिंग के ऊपर ये कॉर्ड से पाइपिंग हो रहा है। इस तरह से हमको यहाँ तक हम इस रिंग को कवर कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो ये लास्ट में हम इसको बिल्कुल कॉर्नर पे कट लगा लेंगे और दोनों कॉर्ड को यहाँ पे चिपका लेना है। इसको दोनों को इस तरह से हम चिपका लेंगे और ये चारों रिंग को हम इस तरह से पाइपिंग करके तैयार कर लेते हैं। अब लास्ट स्टेप है यहाँ पे बेल्स को लगाना। अब इसको काटने के लिए हम एक डिस्टेंस सेम डिस्टेंस पे सभी को काटेंगे। यहाँ मैंने 1.5 इंच का डिस्टेंस लिया है। 1.5 इंच से पे सभी को कॉर्ड को 4 कॉर्ड को एक साथ लेकर हमको कट लगाना है। अब बिल्कुल बराबर कट लगाएं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको सारे कॉर्ड कैसे ही काट लिए हैं। अब हमको बेल्स को फंसाना है। तो मैं येलो बेल्स ले रही हूँ। इसको 2 कॉर्ड को लेना है और ऐसे इसके अटैच करना है। 2 कॉर्ड में लेना है इस तरह से और इसको हल्का सा मेल्ट करना है। हल्के से नहीं, अच्छे से मेल्ट करें और ऐसे लेकर चिपका लें। ऐसे ही अब 2 कॉर्ड लें और इसको मेल्ट करें और चिपका लें। फिर 2 कॉर्ड लेना है, मेल्ट करना है और चिपका लेना है। इस तरह से हम सारे बेल्स को ऐसे ही हम फंसा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हैंगिंग बनाने के लिए मैं यहाँ पे 4 कॉर्ड लिया है। 2 कॉर्ड व्हाइट है और 2 कॉर्ड ये स्काई कलर का है। व्हाइट कॉर्ड मैंने यहाँ पे 2.5 मीटर काटा है 1 कॉर्ड, और यहाँ पे ये वाला जो स्काई कलर का कॉर्ड है ये मैंने 4 मीटर का काटा है। तो अब हम इसका जो सेंटर का है पीस, इसको इस तरह से रखेंगे और एक मैंने 1 मीटर का कॉर्ड मैंने अलग से लिया है। तो इसको हम, जैसे ये मेरा हाफ है, तो हाफ से यहाँ तक हम हैंगिंग के लिए इतना दूर तो बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक नॉट लगा लेती हूँ। पहले एक गांठ, नॉट नहीं, एक गांठ लगा लेना है सिंपल सा, और उसको ऐसे नीचे की तरफ रखना है और उसके ऊपर ऐसे गोल 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 ऐसे घुमाते हुए, ये देखिए गोल गोल हल्के हाथों से घुमाना है हमको। तब तक घुमाना जब तक जितना शेप का हम चाहते हैं इसमें राउंड लाना, मतलब हैंगिंग के लिए डिस्टेंस उतना हो ना जाए, तब तक हमको इसको गोल गोल घुमा करके। आप यहाँ चाहे तो आप रिंग भी लगा सकते हैं, पर मैं इसमें रिंग नहीं लगा रही हूँ क्योंकि ये वाला डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगता है अब, क्योंकि मैंने एक झुमड़े बनाया था तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैं अब हैंगिंग के लिए इसी को ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ऐसे गोल गोल घुमा करके, और हमको एक, ये देखिए इतना घुमाया मैंने तो ये छोटा है, अभी हमको स्कोर बड़ा करना है। तो इसको हम यहाँ तक गोल गोल घुमाते हुए टर्न कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जितना हमको हैंगिंग के लिए चाहिए उतना दूर तक मैंने यहाँ पे इसको फोल्ड कर लिया है। अब हम सारे कॉर्ड को एक जगह इकट्ठा करेंगे और इसको इस पे राउंड करते जाएंगे, जैसे मैंने ऊपर किया। कॉर्ड को लेना है और ऐसे
गोल गोल घुमाते जाना है, गोल गोल। इसको भी हम थोड़ा डिस्टेंस तक हम गोल घुमा करके डिजाइन बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने यहाँ पे इतने डिस्टेंस तक लपेट लिया है और लास्ट में हम इसको पिघला करके और इससे से चिपका लेते हैं और इसको इस हल्का सा ऊपर की तरफ प्रेस कर लें। तो देखिए ये जो है ये मेरा हैंगिंग का हुक कहिए आप इसको, तो ये बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हम यहाँ पे डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए हमको दो वाइट कॉर्ड और दो ग्रीन कॉर्ड लगेगा। तो पहले मैं वाइट से डिज़ाइन बनाऊंगी। तो वाइट से डिज़ाइन बनाने के लिए पहले हम ये वाले ग्रीन वाले कॉर्ड को नीचे कर लेंगे। यहाँ मैं स्पाइरल मूव्स लगा रही हूँ। आई होप आप लोग स्पाइरल मूव्स लगाना आता होगा, बट मैं फिर भी आपको नज़दीक से जूम करके आपको ये चीज़ दिखा देती हूँ स्पाइरल मूव्स बनाना। बस इसमें स्पाइरल मूव्स में एक ही बात होती है, जैसे हम जनरल सिंपल नॉट लगाते हैं तो एक बार लेफ्ट हैंड से एक बार राइट हैंड की तरफ से निकालते हैं दोनों तरफ, पर हमको इसमें चाहे आप लेफ्ट से निकालिए चाहे आप राइट से निकालिए, तो मैं यहाँ लेफ्ट से ही बार बार निकाल रही हूँ, तो ये खुद ब खुद स्पाइरल मूव्स होते जाएगा। इसको हम बस लेफ्ट हैंड साइड से निकालते जाएंगे और हल्के हाथों से यहाँ मैं वाइट दो लाइन दूंगी और स्काई कलर का बस एक ही ब्लॉक बनाऊंगी। ये देखिए ये खुद ब खुद स्पाइरल होते जा रहा है, मैं इसमें कुछ नहीं कर रही हूँ, बस मुझको लेफ्ट हैंड साइड से या बस राइट हैंड साइड से एक ही तरफ से बस हमको मूव्स लगाना है इस तरह से। हम एक शर्ट इन दूरी तक इतना दूरी तक मैं तैयार कर लूंगी उसको, और इधर वाला भी दे, इधर वाले में भी मैं सेम वैसे ही वाइट को ऊपर और स्काई कलर को नीचे करते हुए बस लेफ्ट हैंड साइड से निकाल रही हूँ, एक ही तरफ से निकालना है, तो ये खुद स्पाइरल मूव्स होता जाएगा। इस तरह से हमको दोनों लाइन को एक सिमिलर डिस्टेंस तक बनाकर तैयार कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 7 इंचेस तक व्हाइट लाइन बनाया है दोनों में, और उसके बाद फिर मैंने स्काई कलर में 3 बीट्स फंसाया है, तो स्काई कलर वाले में हम 3 बीट्स डाल लेते हैं। आप अपने चॉइस के हिसाब से कोई भी बीट्स लें, मैंने यहाँ पे येलो कलर ही लिया है। 1 बीट्स को डालना है और उससे नॉट लगानी है, एक सिंपल नॉट, फिर उसके बाद 1 बीट्स लगाना है और फिर सिंपल नॉट, और फिर 1 बीट्स डाल आगे करना है और फिर उससे सिंपल नॉट लगाना है। अब इसके बाद का जो स्टेप है, यहाँ पर हम अब ये वाइट वाले कॉर्ड को हम अंदर कर लेंगे और अब हम स्काई कलर वाले से हम अब हम ये ग्रीन वाले से स्पाइरल मूव्स लगाएंगे। वाइट वाले कॉर्ड को अंदर करना है और फर्स्ट नॉट ऐसे टाइट लगा ले, उसके बाद से स्पाइरल मूव्स ये घूमता जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पर
भी स्पाइरल मूव्स मैंने यहाँ जितना यहाँ पे 7 इंचेस का यहाँ लगाया, यहाँ पे भी मैं 7 इंचेस का ही स्पाइरल मूव्स लगाकर ये स्काई कलर वाले को तैयार करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने यहाँ पर ये जो हैंगिंग के लिए मैंने यहाँ पे व्हाइट 7 इंच, फिर 3 मोती, फिर 7 इंच का ये स्काई कलर का, फिर 3 मोती और फिर व्हाइट कलर का 7 इंच और फिर 3 मोती लगा कर मैंने तैयार कर लिया है। इस तरह से मैं 2 लाइन बनाऊंगी और उसके बाद इसको मैं इस हैंगर को इसमें फंसाने के लिए हम ये आगे वाले रिंग में हम इसको फंसाएंगे, तो उसके लिए हम व्हाइट वाले कॉर्ड को पीछे रख लेंगे और ये वाले ब्लू वाले कॉर्ड को आगे, दोनों कॉर्ड को, और पीछे से हम व्हाइट कॉर्ड से डबल नॉट लगा लेते हैं। सिंपल नॉट है, एक लेफ्ट और एक राइट करके। थ्री एंड फोर टाइम्स या आप 2 टाइम्स भी लगा सकते हैं नॉट लगा करके, और इस तरह से हमको यहाँ पे ये डिजाइन लगा लेना है। 4 टाइम्स नॉट लगा करके हमको इसको थोड़ा सा डिस्टेंस पे काट लेना है और इसमें हम फिर बेल्स लगा लेते हैं। इसमें इसको हल्का सा पिघला करके और चिपका लेना है। हल्का सा पिघला लेना है और चिपका लेना है। तो यहाँ पे मैंने इतना डिस्टेंस पे डाला, यहाँ पे आप मापते हुए इधर भी सेम डिस्टेंस पे आप सेकेंड वाला जो मेरा हैंगर है उसको आप इधर में लगाएं एकदम बिल्कुल नापते हुए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डिस्टेंस मापने के लिए मैं एक कॉर्ड ले रही हूँ और यहाँ से मैंने यहाँ पे कॉर्ड रखा तो यहाँ का डिस्टेंस इतना हुआ। अब हम सेम डिस्टेंस यहाँ से नाप लेंगे, तो ये डिस्टेंस मेरा यहाँ पे आया है। तो यहाँ पर हम इस जगह पे हम वाइट कॉर्ड को पीछे डालेंगे, दोनों वाइट कॉर्ड को पीछे से, और ये ग्रीन कॉर्ड स्काई कॉर्ड को आगे से, और एक 4 सिंपल नॉट लगा लेना है यहाँ पर। बहुत इजी डिज़ाइन है यार और बहुत कम मैक्रम इसमें लगता है। इसमें मैंने 1 मैक्रम यूज़ किया है, 1 लच्छा। इसको टाइट नॉट यहाँ पर लगा लें। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने फंसा लिया। अब इस जितना डिस्टेंस यहाँ मैंने छोड़ा है उतना डिस्टेंस यहाँ पर भी छोड़ के अब इसमें बेल्स को लगाना है। तो ये जोड़ लेना है, तो इस तरह से ये बिल्कुल अलग अलग रहेगा। इसको भी ऐसे ही सेम, इसको इस तरह से ये वाला, ये जो मेरा ये अंतिम में इसको ये कर लेना है। इसको बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे आप यहाँ पर इसको फिक्स करें। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये जो मेरा ये शो पीस है वो बिल्कुल बन करके तैयार है। ये देखिए, ये फ्रंट से इस तरह से कर लगेगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ आपको। पहले यहाँ मैंने 1 10 इंच का रिंग लिया है, उसमें मैंने 26 कॉर्ड डाला, फिर उससे मैंने सिंपल नॉट करते हुए थोड़ा दूर उसका बेस बनाया है, फिर उसके बाद मैंने सभी को 10 इंच के अकॉर्डिंग में लपेटा, फिर यहाँ पे मैंने ये बीट्स फंसाया। बीट्स फंसाने के बाद मैंने फिर यहाँ पे बेल्स लगाया। बेल्स लगाने के बाद अब उसके बाद का रहेगा मेरा कि मैं यहाँ दोनों रिंग को मैंने अटैच किया है। उसके बाद फिर मैंने इस रिंग को
दोनों मतलब दोनों रिंग को, दोनों साइड को, फोर साइड को मैंने यहाँ पे ये स्पाइरल मूव से कवर किया। उसके बाद मैंने ये ऊपर का जो हैंगिंग के लिए मैंने जो ये डिजाइन बनाया है, तो इस तरह से मैंने डिजाइन बनाया है। इसमें मैं आपको कुछ शोपीस डाल के दिखाती हूँ कि ये कैसा लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसमें फ्लावर भी शोपीस में इसको रख सकते हैं, या फिर आप इसमें देखिए फ्रेंड्स, या फिर आप इसमें ऐसा स्टैच्यू दो रख सकते हैं, या फिर एक सिंगल गणपति जी का छोटे से जो पीस आता है वो भी आप रख सकते हैं, या छोटा टेडी बियर है आपका उसमें भी आप रख सकते, वो भी आप इसमें बिठा सकते हैं, या फिर ये बिल्कुल ऐसे खाली भी बहुत सुंदर लगता है और इसमें बहुत कम मैक्रम का यूज होता है। आपको कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मेरे वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। टेक केयर।